मॉर्निंग मित्रों, मैं सोनी संजय। देखो, ये मैं पौधा दिखाने जा रहा हूँ, उसको कॉक्सकॉम कहते हैं और ये विंटर फ्लावर है। ये एक हाइब्रिड कॉक्सकॉम है। मैंने मतलब इम्पोर्टेड सीड्स बाहर से मंगाए थे। इसके लिए मैं हनीफ भाई का खूब खूब आभारी हूँ, उसने मुझे गिफ्ट किया था। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो ये कॉक्सकॉम के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये कॉक्सकॉम में कोई बोलता है समर में होता है, कहीं कहीं सीजन में होता है, लेकिन ऐसा मेरे 3 साल का एक्सपीरियंस है कि वो सिर्फ आप बारिश के सीजन में इसके सीड्स डालोगे तो ही अच्छा रिजल्ट आता है, तो ही ये पौधा ग्रो होता है। समर में मैंने भी कितनी बार डाला था सीड्स, लेकिन वो फेल गए थे और उसमें पौधा भी नहीं हुआ और वो सीड्स का खर्चा भी बिगड़ जाता है और ये पौधा होता नहीं है। तो देखो, इसके बारे में मैं कलर दिखाना चाहता हूँ कि ये रानी कलर पर्पल कलर है और ये रेयर कॉक्सकॉम वाइट कलर। देखिए, ये वाइट कलर है मेरे पास। ये इंडिया में रेयर दिखता है, कहीं नहीं होता है। ये गोल्डन कलर, ये देखो गोल्डन कलर, ऑरेंज गोल्डन मिक्स है और उन पे थोड़ी छोटी छोटी लाइनिंग है, आप देख सकते हैं येलो लाइनिंग। आप पूरा पौधा देख सकते हैं और इसका जो चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 7 इंच का है, 7 या 8 इंच का है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। ये रेड कलर है, रेड कलर, ये पिंक कलर, ये वाला पिंक कलर है। देखो, आप देख सकते हैं, ये भी पिंक कलर है। देखिए, ये रानी कलर, यहां से लेके यहां तक 8 इंच की चौड़ाई होती है, आप देख सकते हैं। तो मित्रों, इसकी सीड्स कैसे कलेक्ट किया जाए? तो इसके सीड्स जब सीजन पूरी होती है और ये फ्लावर सूख जाते हैं तो इसके सीड्स यहाँ होते हैं, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे यहाँ पे होते हैं ये इसके सीड्स। तो इसके सीड्स आप कलेक्ट करके फिर बाद में आप दूसरी सीजन में, नई सीजन में डालो तो अपने आप वो ग्रो हो जाते हैं। और ये देखिए, ये रेड, एकदम रेड कॉक्सकॉम। ओके दोस्तों, कैसा लगा? ये ऑरेंज, ये देखो व्हाइट कलर, ओके दोस्तों, गुड डे।